प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न देखेंगे हम। इसमें तीन आवयव दिए हुए हैं ए बी और सी, तो फिर निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए बी और बी। तो ए प्लस बी में दोनों आवयवों को जोड़ना है, मैट्रिक्स को जोड़ना है, और हमें मालूम है कि समान कोट के मैट्रिक्स जोड़े जा सकते हैं और उनके संगत अवयव जोड़े जाते हैं। जैसे a प्लस बी है तो a का मान हमने यहाँ से लिख दिया है और b का मान ये लिखा है 2 4 3 2 2 4 3 2 प्लस 1 3 -2 5, बस संगत अवयव a 11 से इधर का भी a 11 ही जुड़ेगा, यानी 2 + 1, फिर 4 + 3, 3 + -2 यानी 3 - 2, और 2 + 5, इन्हीं को सॉल्व करना है। 2 और 1 3 7, और 3 - 2 1 और 7, मतलब a प्लस बी हुआ है। इसी तरीके से a माइनस बी होगा। अब हम देख लेते हैं a b क्या होगा। यहां पर देखते हैं a और b। a 2 4 कॉमन लगा दिया है, कॉमन नहीं होना चाहिए यहां पे। 2 4 3 2 और 1 3 -2 और 5 बराबर, इस रो को उठा के इस कॉलम से गुणा करना है और जोड़ देना है। जैसे पहले नंबर वाला इधर का पहले नंबर से, दूसरा इधर दूसरे नंबर से, मतलब इसको इधर और इसको इधर लाना है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, 2 × 1 + 4 × 2 − 2, ऐसे ही इसमें कर दिया। अब इसको यहाँ करना है तो दूसरा एलिमेंट आएगा दूसरे कॉलम का, पहले का पहले से गुणा, 2 × 3 + 4 × 5, ऐसे ही। अब दूसरी रो शुरू होगी, जब दूसरी रो का हम गुणा करेंगे तो दूसरी रो बनेगी 3 × 1 + 2 − 2, ऐसे ही इसका 3 × 3 + 2 × 5, ये दूसरे नंबर का है तो इधर भी दूसरे नंबर का ऊपर से आएगा 2 × 5, बस इसी को सॉल्व करना है। 2 × 2 − 8, 3 × 6 + 20, 3 − 4 9 + 10, कुल मिलाकर के ये आना चाहिए −6 2 − 8 − 6 + 26 − 1 और 19। ए बी का मान ये आ गया है, ऐसे ही बी ए का भी मान निकलेगा। बी ए का देख लेते हैं, ध्यान रखिए इसमें क्रम विन्मय नियम नहीं लगता है गुणन में, इसलिए बी पहले लिखना है 1 3 − 2 और 5, ए का मान बाद में 2 4 3 2, उसी तरीके से गुणा करना है 1, मतलब ये ऐसे चलना है और ये ऐसे चलना है, इसका इसमें फिर इसका इसके दूसरे नंबर से जोड़ना है 1 × 2 1 × 2 + 3 × 3, ऐसे ही अब इसमें करेंगे 1 × 4 + 3 × 2, ऐसे ही 2 − 2 या −2
यहाँ होना चाहिए था, यहाँ दो गुणा माइनस दो गुणा दो, पांच गुणा तीन, चलो एक ही बात है, पांच गुणा तीन, जैसे यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ गायब होना चाहिए था ये। पांच गुणा तीन, अब इसमें माइनस दो गुणा चार प्लस पांच गुणा दो। चेक करने के लिए देख लीजिए, पहले पहले एलिमेंट होंगे वो इससे मिल रहे होंगे दोनों, और दूसरे वाले जो एलिमेंट होंगे वो इस कॉलम में ये ऐसे ही दूसरे नंबर का ये मिलेगा, दूसरी रो में फिर वही दो चार मिलेगा ये वाला, पहले में चार दूसरे में दो, सही होगा तो ऐसा होगा। तो ये दो एकम दो प्लस नौ, चार प्लस नौ, ऐसे ही माइनस चार प्लस तीन पंजे पंद्रह, माइनस आठ प्लस दस, कुल मिलाकर के ये आएगा हमारा ग्यारह, तेरह और माइनस ग्यारह, वो प्लस का ग्यारह, ये प्लस का ग्यारह है, प्लस का ग्यारह, क्यों पंद्रह माइनस चार आएगा, दस माइनस आठ दो आएगा, कुल मिलाकर के ये हमारा ग्यारह तेरह ग्यारह दो आ जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार, दो नौ ग्यारह, चार छ दस, चार एकम चार और तीन दूनी छ आना चाहिए, इसलिए दस आएगा, इसलिए दोबारा चेक करना है, माइनस चार और पंद्रह, पंद्रह माइनस चार ग्यारह, माइनस आठ प्लस दस यानी कि दो।